हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो 9 बज चुके हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिना जॉली हिमाचल लाइफ में। प्लीज़ गाइस, जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी जी बज चुके हैं सुबह के 9, और आज है जी 6 नवंबर। तो मैंने सोचा आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं लगता स्टार्ट करने का और टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए। तो आयुष को मैंने तैयार कर दिया स्कूल के लिए, तो बस वो तैयार होके बाहर खड़ा हुआ है, अपने पापा का वेट कर रहा है। उसके पापा अभी गाँव गए हैं, तो अभी आएंगे कुछ काम से। तो अभी हमारे घर के साथ ही यहाँ पे, जहाँ पे काव शेड है, वहाँ पे शूटिंग हो रही है अभी पंजाबी मूवी की। तो सुबह सुबह ही आ गए, काफ़ी दिनों से शूटिंग ही चली है यहाँ पे, तो आज हमारे घर के पास शूटिंग हो रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी शूट कर लेती हूँ, तो अभी मैं भी जाती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे पंजाबी मूवी की यहाँ पे शूटिंग हो रही है और कैसे शूटिंग होती है। मैं भी फर्स्ट बार ही अभी देख रही हूँ। वैसे तो पहले भी आते थे कुछ साल पहले, और हर साल ही रहते हैं यहाँ पे शूटिंग के लिए, लोग आते रहते हैं। तो मैंने तो अभी फर्स्ट बार ही देखी है इतने नज़दीक से, दूर से तो देखी थी। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या हो रहा है। सर, वेट 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 वेट, क्या नाम है आपका? सर, मैं जा एक्शन में एंट्री करा देना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, पहले मैं फोकस पीछे बस आया। अब क्या क्या हो जाएंगे, आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ, ये पॉइंट आपको मिलने का, आ जाओ बस, ये आ जाना, ठीक है? इतना बस सर, इन्हें अलग उससे रख दे पुनीत, उसने मार्क कर लो। पापा जी उधर जहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे भी काम लगा हुआ है नीचे झील का, तो बस अब तैयार होने वाली है भी फाइनली। कल या तू ये कल चुप सुना, इनको क्या हो रहे जी? चुप चुप क्या हो रहे गाइस? बस 2 मिनट का शूट था, पर इसमें 1 से 1.5 घंटा लग गया एक ही शूट के लिए। तो बस यही देख के मैं परेशान हो गई थी। यहाँ पे फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, पंजाबी मूवी है ना भैया? हाँ जी। कौन सी है फिल्म? का नाम मखमूर है और ये यूट्यूब के लिए फिल्म बन रही है। ओके, हाँ जी। तो कब तक आएगी यूट्यूब में? यूट्यूब में आफ्टर 1 मंथ के बाद आएगी। अच्छा जी। और यहाँ पे आपके हिमाचल में शूट करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भैया। कैसा लगा आपको हिमाचल, शिमला, नारकंडा? बहुत अच्छा लगा नारकंडा में आके। अच्छा, यहाँ की ब्यूटी और यहाँ की सेफ्टी। हाँ जी, नेचुरल लगा पहाड़ तो देखने भाई नीचे जो। हाँ जी भैया, थैंक यू सो मच, आपने इतना। थैंक यू सर। ठीक लग रही है? ठीक है, ठीक है। हाँ। ये जो सर आप की फ्रेम रख रहे हैं? नहीं लग रही बाजी। नहीं लग रही सर, सो गाइस, जिसने हिमाचली टोपी पहनी थी वो भी पंजाब से ही है। तो बस शूट के लिए उन्होंने हमसे मांगी थी टोपी, बस तो दे दी थी। यहाँ पे भी देखिए शूट हो रहा है, बस 2 शूट हुए इनके, इसमें इन्होंने 2 घंटे के करीब लगा ही दिए थे शायद से। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे शूट चल रहा है अभी भी। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ
तो इसके बाद जी मैं चली गई दिन को गाय के लिए घास लेने। तो यहाँ पे भी अभी शूटिंग ही हो रही है, देखिए खाना भी यहीं बन रहा है इन लोगों का, साथ ही सब कुछ लाया इन्होंने। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी आई है शूटिंग के लिए, तो काफ़ी दिन हो गए इनको शूटिंग करते हुए। तो यहाँ पर फिर मैंने घास काट लिया अपनी काओ के लिए, तो बस अब डालूँगी उसको मैं घास। ये मैंने काट लिया है और बाकी मैंने वहाँ पे रस्सी में लगा दिया, तो अब इसको मैं बांध लूँगी, तो फिर इसको काव को दूँगी। तो ऊपर सड़क में खड़ी है गाय, ये गाइस ऊपर मेरा वेट कर रही है दोनों। तो अभी मैं घास लेके आ रही हूँ, अब इनको देती हूँ। देखिए गाइस रस्सी निकालने भी नहीं दे रही है दोनों, तो अब निकालती हूँ। अब दोनों घास खा रही है, तो मैंने रस्सी निकाल दी है। तो अब मैं थोड़ी सी यहाँ से लकड़ी बांधती हूँ घर के लिए, तो लकड़ी अभी मैंने यहाँ पे बना के रखी है पिछले साल की, तो मैंने सोचा उसको भी साथ ले चलती हूँ। तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बिहू अभी सोया है। तो देखिए ये मज़े से हरा घास खा रही है। लड़ाइयाँ कर रही थी, आपस में लड़ाई कर रही थी दोनों, तो इसको मैंने अलग दे दिया है, काली वाली को, और लाल वाली को अलग दे दिया है। तो देखिए अब आराम से खा रही है। ये यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके हमेशा ले जा रही हूँ इनको मैं, तो डेली ले जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी वहाँ पे भी है परे। तो पिछले साल यहाँ पे पेड़ गिरा था, तो उसकी लकड़ी बनाई हमने यहाँ पर। देखिए यहाँ से पेड़ गिरा था नीचे को, तो चलिए अब मैं इन लकड़ियों को लगाती हूँ रस्सी में, बांधती हूँ। देखिए ये लकड़ी भी मैंने बांध ली है, अब मैं थोड़ी देर से जाऊँगी, थोड़ी देर यहाँ पर पड़ोसी के घर में बैठूँगी, उसके बाद घर चलूँगी। सो गाइस चलिए मैं अपने ब्लॉग एंड यहीं पे करती हूँ, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। ओके बाय, अपना ध्यान रखिए।